हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ लोन फूड ट्रैवलर्स। सो गाइस, आई एम सो सॉरी, कल का व्लॉग जो आज का व्लॉग था ना वो लेट हो गया, यानी कि 22 दिसंबर का व्लॉग, क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं है। आज मिस्टर शिवजीत सिंह के पास लैपटॉप था, वो पढ़ाई कर रहे थे, तो मैं उनसे फोर्स नहीं कर सकता था, तुम अपना लैपटॉप दो, इस करके आई डोंट हैव अ लैपटॉप टुडे। एंड आज की वीडियो आएगी मे बी शाम तक, मगर अभी मैं जा रहा हूँ अपनी कोचिंग। कौन सी कोचिंग? जहाँ से हमने आइल्स का एग्ज़ाम दिया था ना फर्स्ट टाइम 2018 में, अभी मैं वो कोचिंग जा रहा हूँ। वो मैम का फ़ोन आया था कि अब कहाँ हो, मिलने आओ, आज मैं कोचिंग में ही हूँ। सो चलते हैं कोचिंग और साथ में कुछ लेके जाते हैं खाने पीने का सामान उनके लिए। सो अब मैं निकलता हूँ घर से, आई एम ऑलरेडी लेट टुडे, एंड लेट्स गो, और आपको सीधा मैं मिलवाऊँगा कोचिंग में। बट उससे पहले आपको मोटो व्लॉग करते हुए लेके जाएंगे और दिखाएंगे बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें। बाकी चलते हैं अब आगे, और वो देखो मैं दिख रहा हूँ वहाँ से, और निकलते हैं हम। तो भाई ये वाला जो एंगल होता ना क्या रिएक्शन था भाई उसका उसने पूरा आखिरी तक मुड़ के देखा ना मेरे को, बोले कर क्या रहा है लौंडा। सो गाइस, अब इसी के साथ ना बस मुझे गाड़ी में तेल भराना है, तेल भराने के बाद हम सीधा निकलेंगे कृतार्थ एकेडमी, और आपको मिलेंगे सीधा कृतार्थ एकेडमी में। तो इसी के साथ फाइनली अब सब काम हो गया फ्री, हमने गैस भी भरा ली और हम निकल भी चुके हैं वहाँ से। बीच में मैंने कैमरा बंद कर दिया था क्योंकि ज़रूरत नहीं लग रही थी मुझको कैमरे की, और अब मैं अब कैमरा सीधा चालू करूँगा वाई शेप ब्रिज में गैस। सो इसी के साथ आपको मिलते हैं आगे, मगर साथ ही साथ ये देख लो यहाँ रोड बन रही है अभी। वाह क्या अच्छी बात है, यहाँ की रोड बहुत अलग तरीके से बनाते हैं, जहाँ गड्ढे हैं वहाँ डांबर डाल देते हैं सीधा। अगर वो डांबर टिका तो टिका, नहीं तो निकल जाएगा हार गया। तो गाइस इसी के साथ हम चढ़ चुके हैं फाइनली वाई शेप ब्रिज में, और अब कुछ ही मिनट दूर है हम अपनी कोचिंग से, और जाके मिलते हैं मैडम से और बताते हैं अपना एक्सपीरियंस कैनेडा का कि कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस कैनेडा में, हमने क्या क्या ऐसा किया। और आज का माइक की ना साउंड में मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम लग रही है, आई एम सो सॉरी अगर आप लोग को बुरा लग रहा होगा या आवाज़ कम आ रही होगी, क्योंकि आज हल्ला ही बहुत हो रहा है, और मैं अभी मेन वाई शेप ब्रिज में हूँ। तो ये देखो उधर कर लो वाका। इसी के साथ ये मेरी एक्टिवा का मॉडल है जो 2008 का मॉडल है, मगर आज भी इतना तेज चलती है ना ये चीज़, मैं आपको क्या बताऊँ। और मेरी गाड़ी में मैंने हॉर्न यहाँ पे इसलिए बड़ा लगाया हुआ है क्योंकि इंडिया में ना लोग देखते नहीं हैं, सीधा आ जाते हैं रोड में और थोड़ा सा भी इधर उधर नहीं देखते। मैं ही पिछले दो दिन में दो बार मोटो ब्लॉक किया हूँ, और दोनों बार मैं दो बार घुसते घुसते बचा हूँ। एक बार अग्रेशन चौक में मेरा इतना गंदा एक्सीडेंट होता, बट मैं होपफुली वहाँ बच चुका था। और साथ ही साथ में ये देखो नेहरू नगर में उन्होंने नया ट्रैफिक टावर बनाया हुआ है ट्रैफिक वालों के लिए, और साथ ही साथ हम निकलेंगे आगे, सिग्नल हो गया है ग्रीन, क्योंकि यहाँ पे सिग्नल लोग कम ही फॉलो करते हैं इंडिया में, और कनाडा में तो लोग कम ही तोड़ते हैं भैया, तोड़ते ही क्या, तोड़ते ही नहीं हैं। यहाँ मैं जब अपना 12th क्लियर करके आया था ना, तो हम यहीं कोचिंग आते थे, हम 6 लोग आते थे, संदीप, गगन, विशाल, शिवा, मैं और सुखविंदर वीर जी। ये जितने लोगों को भी नाम लिया ना, मैं पीछे वीर जी इसलिए नहीं लगाया क्योंकि बहुत लंबी हो जाती, इस करके मैंने बस नाम लिया, बाकी सबके पीछे वीर जी आप लगा लो भाई। ये रही कोचिंग आई गाइस, यही हमारी कोचिंग, नहीं ये हमारी कोचिंग नहीं है, वो आगे वाली है, वो आगे वाली गाइस मिल चुकी है हमें अपनी कोचिंग। वो देखो ये वाली कोचिंग में हम पढ़ते थे, हम पहले यहाँ पढ़ते थे नीचे में, फिर मैडम ने परेशान होकर हमको सेकंड में भेजा, और हम खुश होकर फिर तीसरे फ्लोर में जाके पढ़ने लग गए, और एक टाइम ऐसा आया था कि हम छत में भी बैठ के पढ़ते रहे हैं, और मुझे लग रहा है काफ़ी बच्चे आए हैं भाई। वाह भाई वाह, क्या बात है, यही हमारी कोचिंग है, और चलते हैं अंदर और मिलते हैं मैडम लोग से। गाइस हमारे शहर के दो हीरे, ये देखो एक है ये टाइगर और दूसरा है भाई, इन लोग भी कोचिंग में हाइलाइट्स कर रहे हैं कि दोनों जा रहे हैं कनाडा, और आपको मैडम से भी मिलाते हैं। साथ ही साथ एक और चीज़ दिखाता हूँ मैं आपको, ये आपकी भाई की फ़ोटो लगी हुई है यहाँ पे, ये मेरा रिजल्ट देख लो, ये मेरे आईलेट्स की फ़ोटो है आज से 4 साल पहले, और ये शिवजीत की फ़ोटो लगी हुई है यहाँ पे, बाकी मुझे और कोई दिख नहीं था अपना बंदा यहाँ पे। एक साथ फाइनली हम कोचिंग से निकल चुके हैं, वो देखो वो मेरी कोचिंग थी कृतार्थ एकेडमी, और अब हम जा रहे हैं घर। साथ ही साथ आज टाइगर की बाइक चेक करो, टाइगर लेके आया अपनी,
220। तो अब हम लोग निकलते हैं सीधा घर की तरफ, क्योंकि मुझे फूडी पाजी का भी फोन आ रहा है और दो तीन लोगों का और फोन आ रहा है। तो आज देखते हैं क्या है प्लान और आपको आगे दिखाएंगे। तो चलो मोटो व्लॉग वापस स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, इसी के साथ फाइनली हम ये कोचिंग से निकल चुके हैं। देखो यही है कोचिंग जहाँ पे मैंने अपने आईलेट्स का एग्ज़ाम दिया है, और लेट्स गो। और साथ में हमारे दो और बंदे हैं, टाइगर और अमनदीप। सो चलते हैं इन दोनों को लेके, अब एक आध गेड़ी एड़ी मारते हैं शहर में और फिर बढ़िया। सो गाइस, ये देखो, ये है नेहरू नगर का गुरुद्वारा साहब, और ये बहुत ही ब्यूटीफुल गुरुद्वारा साहब है। इनका मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है। अगले तीन दिन यहाँ पे समागम होने वाला है, उसी की तैयारी चल रही है, और हम लोगों ने आना भी है अगले तीन दिन। आप सब आओ, हम भी आएंगे। सो गाइस, इसी के साथ मैं आया हूँ नानी के घर में, और आज मेरे मामा का बर्थडे है। मामा, हैप्पी बर्थडे। थैंक यू। तो आज मेरे मामा का बर्थडे है। सो जो इनको जानते हैं, आप इनको मिलोगे तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे बोल देना, क्योंकि व्लॉग एक दिन अगले दिन आएगा, मतलब कल। सो अब इसी के साथ यहाँ बैठते हैं थोड़ी देर और फिर जाएंगे सीधा अपने घर। इसी के साथ फाइनली मैं लैपटॉप ले आया हूँ मिस्टर शिवजीत सिंह के घर में। वो तो ट्रिप पे गए अगले पाँच दिन, तो अगले पाँच दिन हमारे पास लैपटॉप है, तो एडिटिंग की चिंता तो बिल्कुल नहीं होगी। अब घर घर से एडिटिंग होके हम दे आएंगे। सो अब निकलते हैं फूडी पाजी के घर और मिलते हैं उनसे जाके, और फिर करेंगे आज दुकान में उनकी काम। इसी के साथ फाइनली फूडी पाजी ने सारी प्रिपरेशन कर ली है, और मी एंड माई ब्रदर टाइगर वी आर गोइंग। सो टाइगर गोलगप्पे बेचेगा, मैं टिक्की तलूंगा, और फूडी पाजी चाट बेचेंगे। सो ट्राई, आज देखते हैं जाके। टाइगर की पहली शिफ्ट है? नो, पहले ही बहुत हुई है। तो टाइगर की प्रैक्टिस कराना है, टाइगर कनाडा जाएगा ना, उससे पहले टाइगर की प्रैक्टिस हो जानी चाहिए। बाकी देख लो फूडी पाजी को, तैयार होकर जाते हैं ऐसी रोज। गैसे देखो, ये टाइगर, तो टाइगर ना आज गोलगप्पे बेचेगा, और फूडी पाजी एज यूजल अपना ये सारा काम करेंगे। और मैं बस आऊँ आज टिक्की तलने के लिए। तो ये तवा दिख रहा है आपको, इसमें ना टिक्की तली जाएगी देसी घी में, तो मैं बस उसके लिए आया हूँ। बाकी फूडी पाजी अभी अपना काम सेटअप कर रहे हैं, पनीर काटना है इनको, और फूडी पाजी को देख लो गैस जलाने जा रहे हैं। गैस इसके साथ देखो, हम लोग ना ये भेल देने जा रहे हैं अपने कॉम्पिटिटर को। व्यूजी कुलचा वाले हमारे कॉम्पिटिटर हैं यहाँ पे, इनको हम भेल देने जा रहे हैं। वो देखो बैठा हुआ है हमारे भाई वहाँ पे, एक छोटा सा, इसके लिए। जी और कुछ चाहिए? बस उसी माही मार्केट का कंपटीशन आता है। बस इसी के साथ देखो, टाइगर को लगी थी भूख, टाइगर खा रहा है यहाँ पे चाट। टाइगर चाट कैसी लगी? कौन बनाया चाट यहाँ पे? इधर बोलना सीधा, मजाक कर रहा। ये हमारे पूरी पाजी है जो अभी बस व्यस्त व्यस्त हो चुके हैं। क्या पूरी पाजी, एकदम थके क्यों लग रहा है आज? काम ज़्यादा हो गया क्या आज? थके नहीं। इसी के साथ स्टाफ ब्रेक हो चुकी है, और ये मैं और टाइगर गोलगप्पा खाने लगे हैं, मैं और टाइगर। और यहाँ पे पूरी पाजी खा रहे हैं भेल। ये देखो पूरी पाजी की भेल चेक करो, जम्बो भेल। ये नहीं, अभी मार्केट में रिलीज नहीं हुई है, इसको करेंगे हम धीरे से। अभी चलते हैं बाहर और गोलगप्पा ट्राई करते हैं फूडी पाजी का। वाह, हम एंड मोमेंट में आ चुके हैं, और सब कुछ ख़त्म हो गया है। देखो छोले ख़त्म हो चुके हैं, और इधर सब कुछ ख़त्म हो गया है, और फूडी पाजी ऑलमोस्ट टायर्ड हो गए हैं। दिस इज़ द सेकंड राउंड। ये दही गुपचुप बन रहे हैं इसके, दही गुपचुप टाइगर के लिए। और मैं तो नॉर्मली गोलगप्पे खा रहा हूँ, क्योंकि मुझे नॉर्मली पसंद है, और टाइगर मेरा भाई बहुत प्यार से बना रहा है। थैंक यू टाइगर। तीन चार कुलचे, एक दो टिक्की, दो तीन लस्सी, दो चार दही गुपचुप, पांच सात भेल। कौन खाता है इतना? टाइगर। ये भी टाइगर की है, टिक्की नहीं है, बाकी सब है। मैं और टाइगर आज थे वोली शॉप में, और अभी क्लोजिंग हो चुकी है पूरी फाइनली। और इधर आ जाओ। हाँ जी, फाइनली सब अपने अपने घर जा रहे हैं क्लोजिंग करके पूरी टीम। और वो रहे हमारे प्यारे फूडी पाजी। फूडी पाजी अब थोड़े डैडी ड्यूटी निभा रहे हैं। साथ ही साथ में अब हम निकलते हैं अपने घर की तरफ, और भाई को छोड़ना है साजनवीर को छोड़ते हुए सीधा अपने घर। अभी घर आए, और मेरे घर में सब सो रहे हैं, उधर साइड वो दरवाजे के पीछे। और अभी मैं तलने जा रहा हूँ चिकन। सो ये मैंने चिकन मैरिनेट किया हुआ था, मैंने खाया नहीं था बहुत टाइम से। सो ये चिकन मैरिनेट करने जा रहा हूँ, चिकन तलते हैं और फिर हम जाएंगे अपनी एडिटिंग करने रात को। सो अभी मैं जल्द से जल्द रोटी खाता हूँ, अपना चिकन फ्राई करके ऊपर जाऊँगा। मेरे पास अब लैपटॉप है, आज जाके वीडियो एडिट करूँगा, और सुबह 4 बजे चलेंगे प्रभात फेरी में।